ये कोट डलने के बाद आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा, इसमें आपको थोड़ा सा गड्ढे गड्ढे से ही दिखेंगे, मतलब क्योंकि ये ओपन पोर है, जो डलेगा मटेरियल वो सारा लकड़ी पी जाएगी और इसके पोर आपको नजर आते रहेंगे। अभी ये एक कोट हुआ है इसके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें आप देखेंगे कि ओपन पोर कैसे करते हैं। वुड पॉलिश में एक इफेक्ट होता है जिसको हम ओपन पोर बोलते हैं, या आप ये कह लीजिए कि पीयू पॉलिश में एक इफेक्ट होता है जिसको हम ओपन पोर बोलते हैं। ये अगर आप देखेंगे आपको नजर आएगा इसमें, तो ये जो वुड है इसके ऊपर आप ये पोर इसके जो है ओपन है, इस पर हम सिलर से भराई नहीं करते हैं, स्मूथ ये पूरा होता है, बिल्कुल स्मूथ है ये अच्छे से, लेकिन इसका इसके जो पोर है वो खाली रहते हैं, भरे नहीं जाते। जैसे सिलर से पूरी भराई कर दी जाती है वैसी इसमें नहीं की जाती। इसमें क्या है कि हम इपॉक्सी लगाते हैं और फिर हम इसके ऊपर टोप कोट डाल देते हैं, तो सिलर से भराई करने की इसमें जरूरत नहीं होती है। तो पीयू पॉलिश में इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है। तो आज जो मैं आपको दिखाने लगा हूं जिसका मटेरियल, वो ओपन पोर का, ओपन पोर तो वो है ही है, प्लस उसमें वो एक्सटीरियर वाटर बेस है। मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे थे कि वाटर बेस दिखाइए, वाटर बेस की मैंने वीडियो पहले से डाल रखी है। वाटर बेस में भी कई सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं, जिनको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शायद दिखाऊं कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, मैं उनके नाम भी आपको शायद बताऊं, तो वो सारे के सारे इफेक्ट आप जो है इस चैनल पे देखेंगे धीरे धीरे, वाटर बेस में भी और हार्डनर बेस या थिनर बेस या सॉल्वेंट बेस भी आप इस चैनल पे सारे देखेंगे धीरे धीरे करके। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि अभी ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं है, और जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं पीयू में उनको करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है, एक दिन में वीडियो बनती भी नहीं है, तो बार बार मुझे उसको बनाना पड़ता है और फिर उसको कंपाइल करने के लिए या एडिटिंग करने के लिए टाइम लगता है, वो भेजना पड़ता है, फिर वो एडिट होके आती है तब जाके अपलोड होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सारे इफेक्ट देखेंगे इस चैनल पर, चाहे वो वाटर बेस हो या वो सॉल्वेंट बेस हो, तो सारे इफेक्ट आप देखेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए, आप इस चैनल को अगर शेयर भी करते हैं तो ऑडियंस कुछ बढ़ेगी, तो जल्दी जल्दी मैं इफेक्ट्स भी लेके आऊंगा। तो आज मैं आपको जो मटेरियल दिखाने लगा हूं वो है ओपन पोर का। ये याद रखिएगा कि वो एक्सटीरियर है और मैट फिनिश का है और ओपन पोर है, ये तीन क्वालिटी उसके अंदर है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि उसकी इपॉक्सी, अच्छा हाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो इपॉक्सी होती है, यानी इपॉक्सी में जो रेजिन होता है, हार्डनर और रेजिन इपॉक्सी का, वो दोनों का डिफरेंट होता है एक्सटीरियर में और इंटीरियर में। इंटीरियर का जो होता है वो सेप, अगर आपको इंटीरियर में करना है तो आप इंटीरियर का सेपरेट लीजिए, और अगर आपको एक्सटीरियर में करना है तो एक्सटीरियर का सेपरेट लीजिए, यानी कि एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर का और इंटीरियर के लिए इंटीरियर का आपको इपॉक्सी लेना है। और जो इसमें टॉप कोट है वो वाटर बेस है, वो आपको मैं दिखाता हूं अभी, वो देखने में आपको कैसा लगेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहे, आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस पे मिलेंगी जरूर से, और आपके जो भी सवालात होते हैं आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आपके हो, क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछे, और इंस्टाग्राम पे अगर पूछेंगे तो मैं इंस्टेंट आपको जवाब दे दूंगा, क्योंकि वहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे हमेशा। तो जैसे ही इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हैं मैं तुरंत से आपको रिप्लाई करूंगा, और आपका जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको मैं आपको जरूर से वहां पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसका इपॉक्सी दिखाता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से मटेरियल दिखा देता हूँ कि एक्सटीरियर पीयू ओपन पोर में, यानी मैट फिनिश में है ये, इसमें क्या क्या मटेरियल आपको लेना है, क्या यूज करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखिए ये इपॉक्सी लेना है, ये इपॉक्सी का पैकिंग है हमारा, जिसपे ये लिखा है पीयू सॉल्वेंट इपॉक्सी कोटिंग। इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको, ये थोड़ा गंदा हो रहा है स्प्रे की वजह से, यहाँ स्प्रे चलता ही रहता है हमारे यहाँ पर, तो ये आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर देखिए लिखा है एक्सटीरियर क्लियर कॉम्बो पैक, यानी कि कॉम्बो पैक इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 लीटर की पैकिंग है, इसमें 1 लीटर इपॉक्सी रेजिन है और 1 लीटर हार्डनर है। इसका हार्डनर एक्सटीरियर का और इंटीरियर का दोनों का अलग हार्डनर आता है, आप कभी भी एक दूसरे में मिक्स करके उसको यूज ना करें। तो एक्सटीरियर वाटर बेस है बेसिकली, ये वाटर बेस में भी जो आप इपॉक्सी डालेंगे वो तो आपका हार्डनर के साथ ही डलेगा, ठीक है। तो ये है हार्डनर, इसमें 1 लीटर की पैकिंग है, सॉल्वेंट है, और ये एक्सटीरियर क्लियर है, ठीक है, ये हार्डनर हो गया। और नेक्स्ट दूसरा मैं आपको दिखाता हूं इसमें आपको क्या मिलेगा साथ में, दूसरा है ये रेजिन, इस पे देखिए लिखा है पीयू सॉल्वेंट इपॉक्सी एक्सटीरियर क्लियर, ठीक है,
ये हो गया आपका बेस कोट जो आप इपॉक्सी डालेंगे, जैसे हमने आपको प्रोसेस में बताया उस तरह से। अब मैं आप इसके बाद आप जो दूसरा मटेरियल हम, तो ये था इसका इपॉक्सी ओपन पोर, या यूं कह लीजिए कि जो वाटर बेस एक्सटीरियर पीयू होता है उसका इपॉक्सी। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं इसका टॉप कोट। ये टॉप कोट है वाटर बेस, इसमें पानी डलता है और जैसे कि वाटर बेस है तो पानी डल के ही बनेगा। और इसको करना भी बड़ा इजी है, अगर आपने वो देखना है कि वो कैसे किया जाता है तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है इसकी की, इसी को जैसे किया है मैंने, मतलब करने का पूरा प्रोसेस उसमें समझाया भी है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका वाटर बेस्ड टॉप कोट यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे ये देखिए, ये है दूसरा मटेरियल, इसको बोलते हैं वाटर बेस्ड रेजिन है ये, एक्सटीरियर पीयू मैट। इसका कोड है LA298। ये कोड याद रखें, आप ये बोलेंगे जाके तो भी आपको मिल जाएगा। इसकी MRP 1275 रुपए इसमें दिखा रहा है, बाकी इसकी MRP आपको डिस्काउंट या जो भी आपको आप जिसे खरीद रहे हैं उससे क्या आपकी ट्यूनिंग है उसके हिसाब से कंपनी अगर देती है तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के, ये देखिए ये थोड़ा सा ऐसे दही की तरह, बल्कि दही से भी ज्यादा ये थोड़ा सा टाइट रहता है माल। देखिए कितना है इसमें, आप पानी मिक्स करेंगे, आप कितना मिक्स करना है ये डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हैं। आप इसको मोटा नहीं चलाएगा, अगर हम इसको मोटा चला देंगे माल को तो वो दाना बना देगा। आपको क्या करना है इसमें 30% या 25% वाटर मिक्स कर लें और एक बार चला के देख रहे हैं सैंपल अलग से ना, अगर उसमें आपको टाइट लग रहा है तो आप उसको वापस से पतला कर दें। ये बहुत बहुत ज्यादा थिक होता है, देखिए अगर मैं हिला भी रहा हूं तो ये हिलने को राजी नहीं है। ठीक है, ये वाटर बेस है, इसमें पानी चलता है, इसके आप दो कोट डालेंगे और दैट्स इट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई पैकिंग, आप ये देख लीजिए पैकिंग में आपको दिखाता हूँ। ये आईका का वाटर बेस है, वाटर बेस कोटिंग फॉर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर के लिए है। और प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया और कोड वोड मैंने सब बता दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वाटर बेस ओपन पोर का जो मटेरियल है वो समझ में आ गया होगा, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका टॉप कोट, और अब मैं आपको एक चीज बता दूं, गन को आपको कैसे साफ करना है। जब आप वाटर बेस कर रहे हैं तो आपको पानी से ही गन को साफ करना है। अब देख लो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि इस चैनल पे जल्दी से थोड़ी सी ऑडियंस बढ़ जाए, और ऑडियंस बढ़ेगी तो डेफिनेटली इस पे सारे इफेक्ट आने हैं। कोई भी इफेक्ट ऐसा नहीं होगा जो छोड़ दिया जाएगा। आपको मैं बार बार, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार आपको इफेक्ट करके जरूर से दिखाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।